श्री अकाल। सो मेरा नाम विधि गुप्ता है। वैसे तो सभी लोग जब प्यार की बातें करते हैं तो ऑफकोर्स दिल टूटने की, सैड होने की ये शायरियाँ रखते हैं, तो मैंने उसका थोड़ा उल्टा लिखा है। तो बढ़ती हूँ मैं अपनी शायरी की तरफ कि उम्मीद किसकी और किससे किस बात की है, कि उम्मीद किससे और किससे किस बात की है, अरे मोहब्बत की है, कोई सौदेगारी थोड़ी ना। जो रख रहे हैं लोग आजकल के ज़माने में उम्मीद का दायरा, अरे अरे तुम तो ऐसे बेचारे बन रहे हो जैसे तुम बिछड़ते हुए ही अपनी मौत की गुहार लगा रहे हो। धन्यवाद। फिर अक्सर लोग प्यार में मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर बिछड़ भी लोग जाते हैं, तो कोई बात नहीं, बिछड़ जाते हैं, ये सब तो दुनिया का मतलब एक रूल टाइप का है। तो मैंने उस पर एक पोएम लिखी है, कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं सुनाना चाहूँगी। कुछ तो बात उनमें भी थी तभी तो उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ तो बात उनमें भी थी तभी तो मुलाकात हुई थी। हाँ किस्मत में ना सही, मगर उनकी कुछ पल जिंदगानी में हमारे साथ भी थी, मगर उनके कुछ पल की जिंदगानी हमारे साथ भी थी। वैसे तो हम किसी पर इतना गौर नहीं फरमाया करते, मगर उसका इंतज़ार हमें आज भी किया करते हैं। धन्यवाद। तो मैं बढ़ती हूँ, जो मैं आज पोएम मेनली सुनाने आई थी यहाँ पर, मैं उस पोएम को सुनाने जा रही हूँ। वो महान, जिसका शीर्षक ये है, वो महान नहीं इंसान है, वो महान नहीं इंसान है, वो महान नहीं इंसान है, जो कहते हो उसे ग्रह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा या कोई देवी, ताने बहू के लिए और इमोशनल अत्याचार बेटी के लिए। क्यों अपनी खुशियों का वो गला घोटे, केवल बस वही कि इंसान है वो, कोई देवी नहीं। घर से बाहर निकले, अपने पंख फहराए और जो चाहे वो उड़ना, लोग समाज इज्जत का दिया जाता तो समाज इज्जत का दिया जाता है उन्हें ताना। कहते हैं तुम तो इज्जत हो हमारी, तो बनकर बैठो घर में एक अबला नारी। अगर चाहे वो खुलकर हंसना, बेपर्दा होकर चाहे वो चलना, अपने दोस्तों से चाहे बेमकसद बेमतलब की बातें करना, तो उसे बताते हो कि इज्जत हो तुम हमारी, तुम्हें कैसे गवारा हो सकता है यूं इतरा कर चलना। जो ना आता हो उसे खाना बनाना, घर संभालना, जो ना आता हो उसे खाना बनाना, घर संभालना, तो उसको ताने मिलते हैं, गृह लक्ष्मी हो तुम घर की, कैसे नहीं आता तुम्हें ये सब कुछ करना। तो आज मैं ऐसे समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि जब है वो तुम्हारी देवी, तो क्यों करते हो उसका तिरस्कार और वारदात ऐसी। जो चाहे वो अगर संभल कर चलना, खड़ी हो अपने पैरों पर और चाहे वो सर उठा कर चलना, तो क्यों गवारा नहीं इस दुनिया को बराबरी का हक देना। कि बात तो बड़ी उठी है फेमिनिज्म की, इस समाज में, मगर क्या सच में खत्म हो गया है डर लड़कियों का बाहर निकलना। कि उम्मीद लगाते हो उससे तुम्हारे ख्वाब पूरे करने की, कोई महान नहीं है, बस इंसान है वो, ना कहो उसे गृह लक्ष्मी अन्नपूर्णा, क्योंकि तुम भी कोई राम भगवान नहीं हो। कमियां उसमें भी हैं, कमियां तुम में भी हैं। महानता छोड़कर इंसान बनो और इस समाज में खुशियों का आवाहन करो। धन्यवाद। थैंक यू।